हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे पढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ में। फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया है एचसीएफ, सेकंड पार्ट एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है देखो। इसको समझने के लिए पहले एग्जाम्पल देखो। फाइंड द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5, मतलब मल्टीपल अगर हमको समझ आ रहा है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो 4 के मल्टीपल क्या होते हैं? 4 का जो टेबल होता है, तो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 6 24, ये हो गए 4 के मल्टीपल। ठीक है, ऐसे ही 5 के मल्टीपल होंगे, तो ये लिखा हुआ है कुछ नहीं, 5 का टेबल है। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 6 30। तो अगर हमको बोले कि 4 और 5 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो हम लोग इन दोनों के टेबल को देखेंगे, इस ऐसे मल्टीपल को देखेंगे। तो जो मल्टीपल, मतलब जो मल्टीपल सबसे पहले मैच होगा वही दोनों में क्या हो जाएगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने यहाँ से देखना स्टार्ट किया, 4 8 12 16 20। इधर 5 में भी देखेंगे साथ ही साथ में, 5 10 15 20। 20 ऐसा नंबर है जो 4 के मल्टीपल में भी आ रहा है और 5 के मल्टीपल, और इससे पहले कोई भी मल्टीपल कॉमन नहीं है। मतलब इसमें 5 10 15 है, तो इसमें कहीं भी 5 10 15 नहीं आ रहा। तो सबसे पहले जो मल्टीपल मैच होगा, ठीक है, वही उन दोनों नंबरों का क्या हो जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और उसी को बोलेंगे दोनों नंबर का एलसीएम। ठीक है, ये एलसीएम फाइंड करने का एक तरीका, ठीक है, बट हर बार ये तरीका नहीं लगाएंगे, बट एलसीएम क्या होता है उसको समझने के लिए ये मेथड आना चाहिए। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे? जो भी नंबर दिए होंगे उनके मल्टीपल लिखेंगे, उसके बाद में उसके मल्टीपल में देखेंगे कौन सा नंबर सबसे पहले मैच हो रहा है। दोनों में मैच होना चाहिए, और ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें 5वें नंबर पे आए, इसमें 4th नंबर पे आए, वैसा कोई जरूरी नहीं। इसमें 1st नंबर पे भी मैच हो सकता था, इसमें 10th नंबर पे भी मैच हो सकता था। ठीक है, तो ऐसा नंबरिंग का कोई फिक्स नहीं, सबसे पहले जो नंबर दोनों में मैच होगा वही उनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। उन दोनों का दोनों में रैंकिंग सेम होना जरूरी नहीं, इसमें भी 4 5 नंबर पे है तो इसमें भी 5 नंबर पे ही आना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी ठीक है। ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी क्या क्वालिटी होती है, मतलब क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है? ये जो नंबर होगा इसको दोनों नंबर डिवाइड करेंगे, ठीक है। और एचसीएफ में उल्टा था, एचसीएफ में क्या था, जो एचसीएफ था वो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता था, यहाँ पे जो एलसीएम है वो गिवन नंबर से डिवाइड होगा, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एचसीएफ में एचसीएफ वो नंबर था जो दोनों नंबर को डिवाइड करता था, और एलसीएम वो नंबर है जो दोनों गिवन नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होगा। तो एलसीएम का वैल्यू एचसीएफ के मुकाबले ज्यादा आएगा, या फिर ऐसे बोले कि एलसीएम का जो वैल्यू होगा जो गिवन नंबर्स के बराबर हो सकता है मिनिमम, या उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, और एचसीएफ गिवन नंबर से कम होगा या उसके किसी छोटे नंबर के बराबर हो सकते हैं, बाकी छोटे नंबर से ज्यादा कभी नहीं आएगा। और यहाँ पे जो होगा एलसीएम वो बड़े नंबर के बराबर होगा, छोटे नंबर के कभी बराबर नहीं आएगा, या फिर उससे भी बड़ा रहेगा। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ में एक ही डिफरेंस होगा, इसको याद रख सकते हो। क्या बोला मैंने? एलसीएम जो होगा गिवन नंबर से बड़ा होगा, या फिर जो दो नंबर होंगे उनसे बड़े वाले नंबर के बराबर हो सकता है। और एचसीएफ में क्या होगा? एचसीएफ दोनों गिवन नंबर से छोटा हुआ, या फिर दोनों गिवन नंबर में से जो छोटा नंबर है उसके बराबर हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, ये दोनों में एक डिफरेंस हो गया, अगर डिफरेंस कोई पूछेगा। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम। आगे हम बढ़ते हैं, कोई लिखा हुआ है एलसीएम ऑफ 4 एंड 5, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5 कितना है? 20, क्योंकि दोनों में 20 मैच हो गया सबसे पहले। ठीक है, ये तो सिंपल मेथड हुआ, मल्टीपल निकाल कैसे भी निकाल सकते। दूसरा हम लोग जो फैक्टराइजेशन पढ़े उसका यूज करके कैसे निकालेंगे देखो। उसके लिए हमको फैक्टर आनी चाहिए, तो फैक्टर कर दीजिए 60 के,
तो 60 के फैक्टर क्या होंगे, 2, 2, 3, 5। ठीक है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, 30 बचेगा, फिर उसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 15, 15 अब 2 नहीं जाएगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 3। डायरेक्ट हम लोग 5 को नहीं देखेंगे, पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर फिर अगला प्राइम नंबर ऐसे। ठीक है, तो फिर 3 सोचा, 3 से डिवाइड हो गया 15, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 5 में 5 जाएगा, ये हो गया। ऐसे ही 48 के फैक्टर कर दिए, 2, 2, 2, 2, 3। ठीक है, अब एलसीएम अगर हमको फाइंड करना है तो अब कौन सा तरीका लगाएंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो फैक्टर दोनों में मैच हो रहे हैं उनको लिख लेंगे। तो इसका 2, इसका 2 मैच हो गया, एक बार लिख दिया, फिर इसका 2, इसका 2 एक बार और मैच हो गया, लिख दिया। अब जो नंबर बच गए, ठीक है, अच्छा दो दो तो मैच हो गया, अब 3 की देखते हैं, 3 इसमें है और इसमें भी है, वो मैच हो गया, उसको भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब 5 देखा, इसमें भी नहीं है, अब क्या करेंगे, जो जो फैक्टर दोनों में बच गए उनको भी हम लोग लिख देंगे। तो इसमें से 5 बच गया था, बाकी 3 तो मैच हो गए, उसको लिख दिया, और इसमें 2 और 1 3 यूज हो गया, तो 2 2 और बचे थे उनको भी लिख दिया। ये 2 2, ये पहले वाले हम लोग के मैच हुए थे और ये जो मैच नहीं हुए, अब इनको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही मेरा एलसीएम होगा। तो देखो एलसीएम कितना आ गया, 240, जो दोनों से बड़ा। तो इसमें क्या करना है, जो जो मैच होगा उसको एक बार लिखना है, जो जो फैक्टर दोनों में मैच होंगे उनको एक एक बार ही लिखना है, और जो फैक्टर मैच नहीं होंगे उनको लिखना है। ठीक है, जैसे ये 5 है, 5 केवल 60 के फैक्टर में आ रहा है 48 में, तो 5 को लिखना है, एक बार लिखना है, मैच नहीं हो रहा तब। फिर इस 48 के 2 2 मैच नहीं हो रहे थे तो उनको भी हमको लिखना है। ठीक है, तो एलसीएम के टाइम और एचसीएफ में क्या करते थे, जो मैच होता था उसी को लिखते थे, बट इसमें उल्टा भी है, जो मैच हो रहा है उसको एक बार लिखना है और जो मैच नहीं हो रहा है उसको भी लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड एलसीएम ऑफ 18, 30, 50। तो अब आंसर एक ही ध्यान रखना है, जब भी आंसर निकालो कि 50 से तो बड़ा आएगा एटलीस्ट, या 50 आएगा, 50 से बड़ा आएगा या 50, ये ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 3 × 3, ठीक है, माइनस नहीं है, 2 लिखा हुआ, इक्वल टू 2, 2 × 3 × 3। फिर ऐसे ही 30 के फैक्टर करेंगे, 2 × 3 × 5, 50 के फैक्टर 2 × 5 × 5। ठीक है, अब वही हम करेंगे, तीनों में देखेंगे कुछ मैच हो रहा है, 2 2 2, तीनों में 2 2 मैच हो रहा है, लिख दिया। फिर इसका 3, इसमें भी 3, इसमें नहीं हो रहा, छोड़ दिया अभी, फिर इसमें भी 3 है, अब क्या करेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो जो जो मैच हो रहा है उसको लिखते जाएंगे। तो देखो 3 और 3, ये इसमें मैच हो रहा है तो इसको एक बार लिख देंगे, ठीक है, चाहे उसमें नहीं था 50 वाले में। फिर अब इसमें क्या बस गया, 3, फिर देखा 3 इधर कहीं भी मैच नहीं हो रहा है तो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 3 2 यहाँ बार है, 1 यहाँ बार है, तो 3 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि एक तो मैचिंग में चला गया, इसलिए एक ही बार लिखना, ठीक है। अब नेक्स्ट 30 वाले के पास गए, इसमें कुछ बच गया क्या, 2 यूज हो गया, 3 भी हो गया, 5 बचा है, 5 इधर कहीं है, हाँ इसमें 5, तो इसका ये 5 और इसका ये 5 एक बार आ गया, अभी 30 का भी काम हो गया। अब चलिए 50 के पास, तो 50 का 2 यूज हो गया, 1 5 यूज हो गया और 1 5 बच गया, तो उसको लिख देंगे। तो ऐसे लिखना है, ठीक है, जो जो मैच हो रहा है उसको एक एक बार लिखना है, चाहे 2 में हो रहा हो या 3 में हो रहा, और जो मैच नहीं हो रहा उसको भी लिखना है, ठीक है, जो मैचिंग में यूज हो गया उसको दोबारा नहीं लिखना है। जैसे ये 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 मैचिंग में चला गया, तो हम लोग वो लिख दिए हैं, तो दोबारा जब आएंगे तो इस 3 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 3 इसके साथ मैच करने में चला गया। वैसे ही जब यहाँ 5 और ये वाला 5 मैच करने में चला गया, तो जब 50 आएंगे तो इसको काउंट नहीं करेंगे कि ये हमने यूज नहीं किया, ये यूज हो चुका है, ठीक है, ये 5 यूज नहीं हुआ, इसका किसी के साथ पेयर नहीं बना, इसलिए इसको लिखना, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितने भी नंबर आए वो आएगा एलसीएम ऑफ दिस 2, दिस 3 नंबर्स। अब देखो तीनों से बढ़ा रहे हैं और तीनों से अगर डिवाइड करोगे तो पूरी टाइम जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है, 16, 28, 40, ठीक है। वैसे जैसे एचसीएफ में हम लोग किए थे तीनों का एक साथ फैक्टराइजेशन, वैसा ही एलसीएम में भी हम कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा देखो, 16, 28, 40 को लगा दिए एक साथ में, ठीक है। अब इसमें जो भी डिवाइड होगा उसको लिख देंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 लिख दिए। अच्छा यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि तीनों नंबर डिवाइड हो, यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरी नहीं होगा। एक भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होगा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे उल्टा था, जब हम लोग एच सी एफ फाइंड कर रहे थे तब हम लोग वही नंबर यहाँ पे लिख रहे थे जिससे तीनों नंबर डिवाइड हो, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है। एलसीएम के केस में अगर एक भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमको लिखना है, ये जरूरी ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमको वो नंबर लिखना है जिससे एक भी नंबर डिवाइड हो रहा हो, इन द केस ऑफ एलसीएम। इन द केस ऑफ एचसीएफ यहाँ पे वही नंबर लिखना था जिससे तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हों, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ में ये डिफरेंस है, नहीं तो सेम लगेंगे, ठीक है। 2 लिखा, 2 से एक भी नंबर नहीं, तीनों नंबर डिवाइड होते लिख दिया, ठीक है। ये 16 हो गया, 8, 28, 14 और 40, 20। फिर एक भी नंबर डिवाइड हो रहा तो 2 ही लिखेंगे, फिर 2 लिख दिए क्योंकि एक भी हो रहा, फिर 2 से किया तो ये 4, 7, फिर 10। अब वापिस में 2 लिखूंगा क्योंकि 2 से 4 और 10 डिवाइड हो रहा है, 7 नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 2 लिख दिया वापिस, तो 2 से ये 4 कट गया 2 टाइम्स, 7 कुछ नहीं किया तो 7 को वैसा कैसे लिख देंगे, उसको डिवाइड करके 3.5 नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो डिवाइड हो रहा उसी को लिखेंगे, और 10 हो गया 5 टाइम्स, फिर वापिस 2 लिखूंगा मैं यहाँ पर क्योंकि ये 2 एक बार डिवाइड हो जाएगा। तो 2 लिखा, अभी इसमें छोड़ दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये 2 लिखा तो 2 हो गया 1 टाइम, 7 को कुछ नहीं करेंगे, 7 का 7 लिखेंगे यहाँ पे, 5 का 5 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग सोचेंगे 3, 3 से एक भी डिवाइड नहीं होगा इसलिए 3 नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, तो 5 से ये वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 5। 5 से लिखेंगे तो यहाँ तो 1 था तो 1 का 1 आ जाएगा, 7 नहीं होगा तो 7 का 7 और 5 का 1 हो जाएगा। अब क्या बचा मेरे पास, 1, 7, 1। अब हम लोग 5 से नहीं हो रहा है कुछ भी एक भी नंबर, तो हम लोग अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या सोचेंगे, 7। 7 से ये मिडिल वाला जो 7 था वो डिवाइड हो जाएगा, तो अब मेरा क्या बच जाएगा, 1, 1, 1। तो अब हम लोग फैक्टराइजेशन रोक देंगे, तो क्या आया था, 8, 2, फिर इसके बाद 5, फिर 7, उन आगे वाले नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। तो एलसीएम के केस में हमको क्या करना है, जब तक सारे कॉलम में 1, 1, 1 नहीं आ जाता तब तक डिवाइड करते रहना है। जो डिवाइड हो रहा उसी को डिवाइड करेंगे, किसी को जबरदस्ती पकड़ के डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे 7, 2 से नहीं हो रहा तो उसको 3.5 नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ के चलेंगे आगे, अपने आप उसको डिवाइड करने के लिए हम लोग वो नंबर लेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का अगर वर्टिकल अरेंजमेंट यूज करके निकालना है सबको एक साथ लेके तो ऐसे लेंगे, ठीक है। एचसीएफ में हम लोग क्या करते थे, अगर एक भी वन आ जाता तो वहां पे हम लोग फैक्टराइजेशन बंद कर देते, बट इसमें सबको 1 लाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है कुछ नहीं इसमें, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। हमने दोनों निकाल लिए तो दोनों में क्या रिलेशन है उसको एक एग्जांपल लेके समझोगे तो समझ। अगर 2 गिवन नंबर हमको पी और क्यू है, उनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाले हमने, ठीक है। मान लो एलसीएम का वैल्यू एच आया, एल आया, और एचसीएफ का वैल्यू कितना आया, एच। तो जो एलसीएम और एचसीएफ है दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हमने किया तो वो जो 2 गिवन नंबर थे जिनका एलसीएम एचसीएफ हमने निकाला उनके बराबर आएगा, ठीक है। ये करके देख सकते हैं, एग्जाम्पल आ गया, उसको ही दूसरे वर्ड में क्या लिखा हुआ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, वही सेम गिवन नंबर्स के लिए, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल करोगे तो समझ आ जाएगा, जैसे ये 3 नंबर, अच्छा 2 दिए हुए या 3 कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 3 नंबर दिए हैं, 15, 45, 105, तीनों का वही हमने फैक्टराइजेशन लगा दिया एक साथ वाला मीटर लगा के। चलो अब तो यहाँ पे हम लोग, ये तो इतना सा यूज होगा किसके लिए, एच सी एफ के लिए, क्योंकि इसके बाद एक में बना गया तो आगे यूज नहीं करेंगे। तो ये एच सी एफ कितना आ गया, ये अपने तरीके से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एच सी एफ इसका निकाला तो 15, उसको जीसीडी बोलते हैं, और एलसीएम निकाला तो 315। अब क्या करो, तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करो और एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हारा कितना आएगा, वो इक्वल टू आएंगे।